यूपी में रहने वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमेंट करके यह पूछे जा रहे थे कि जो एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन जो होने वाली है उसमें जो है यूपी राइज में कितने कटअप जाने की संभावना है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप कटअप जानना चाहते हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस 2019 में जो है कितने कटअप जाने के लिए तैयार है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के पास चर्चा करने वाले एसएससी एमटीएस यूपी का कटअप मार्क्स कि इस बार कितने जाने की संभावना है। यहाँ जो कटअप मार्क्स है वो प्रीवियस ईयर का कटअप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हुए यह आकलन किया गया है कि इस बार कितने कटअप जाने की संभावना है। यदि आप यूपी में नहीं बिलोंग करते हैं तो अगर आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं अपना स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। जिस स्टेट का नाम सबसे ज़्यादा बार कमेंट रिप्ले होंगे उन्हीं का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी, ताकि आप अपने स्टेट के बारे में जान सकेंगे कि आपके एरिया में कितने कटअप जाने की संभावना। इस प्रकार से आप भी एक आंकड़ा लगा सकते हैं, एक आकलन कर सकते हैं कि हमें कितने ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे ताकि एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन बिल्कुल भी क्वालिफाइड हो जाए। तो दोस्तों रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं वो जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर आप हमें लिख कर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप चैनल पर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन को क्लिक करें, दबाएँ, वेल का आइकॉन यहाँ पर आ जाएंगे, वेल का आइकॉन को दबाएँ, उसके बाद एक ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएंगे, उस ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को हम बता दें, आप सभी को रिक्वेस्ट करें कि आप अगर यहाँ पर अगर और भी देखना चाहते हैं वीडियो तो इस वीडियो प्लेलिस्ट पर आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं इस पर क्लिक करें। जैसे वीडियो वाले टैब पर क्लिक करते वैसे हमारे जो है जितने भी प्रकार का वीडियो अपलोडेड होते हैं, लेटेस्ट वीडियो, चाहे वो आपका गेस्ट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस को लेकर या कोई भी अन्य प्रकार का जानकारी है, सारा का सारा यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो सारा का सारा हर एक बार स्टेट बाय स्टेट करके हमने पहले डाल दिए गए। एमटीएस की तैयारी 7 दिन में किस प्रकार से करें इसका वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे स्टेट के बाय स्टेट जो हमने बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए डाले गए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दिल्ली का कटअप है, यहाँ से दिल्ली वाले भी यहाँ से कटअप अपना चेक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहली बार देने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो आप जरूर से जरूर देख कर जाए, वरना बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इसके साथ साथ एमटीएस में लोग वापस क्यों लौट रहे उसका रीजन जानने के लिए इस पर आप करें। तो इस प्रकार से झारखंड के स्टेट के बारे में, बिहार का भी कटअप, यानी सारे के सारे स्टेट का कटअप यहाँ पर दिए गए। तो वीडियो प्ले लिस्ट में यहाँ पर आएँ और आप पहले यहाँ पर आके अपना ढूंढ लें, तलाशें, अगर आपको नहीं प्राप्त होते तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब चलते हैं हमारा यूपी वाले के लिए कि यूपी में कितने कटअप जाने की संभावना है। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों दिल थाम के बैठे रहें, क्योंकि यहाँ पर Tr.1 से लेकर फाइनल कटअप के बारे में हम जानकारी आप सभी के पास शेयर करने वाले। तो जैसे कि लेकिन शेयर करने से पहले, जानने से पहले आपको गुजरने पड़ेंगे एक सिंपल सा सवाल का जवाब जो कमेंट बॉक्स पर आप सभी को बच्चों को क्लिक करने। लेकिन याद रखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट पर अपना एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते वही लोग ही सिर्फ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, जो दो बार तीन बार में परीक्षा क्लियर करना चाहते वो कृपया करके इतने आसान क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल भी ना दें। तो लिखेगी यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है या फुटबॉल है, बेसबॉल है या हेडबॉल है। फटाफट कमेंट बॉक्सर बताएं दोस्तों इसकी सही आंसर क्या होने चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने काफ़ी बार रिपीटेड किए हैं। तो चलते हैं अब टीयर के लिए एग्जामिनेशन के कटअप को लेकर। जैसे कि ये कटअप प्रीवियस ईयर का कटअप मार्क्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2016 से 17 में जो कटअप आए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आकलन किए जा रहे हैं।
यहाँ पर बता दें दोस्तों, एसएससी एमटीएस पिछली अधिसूचना जो है 2016 में जारी की गई थी और परीक्षा जो 16 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चली तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल जो पैटर्न 150 अंक के 100 प्रश्न दिए गए थे, यानी कि पहले जो थे 1.5 पर क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए थे। तो यहाँ पर नीचे जितने भी आकलन किए गए वो सारे आकलन जो बता दें 150 मार्क्स को लेकर किए गए हैं। तो यहाँ पर बता दें यूपी स्टेट के लिए, यूपी वाले के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो आपका जो कटअप गए थे दोस्तों 125.5 कटअप गए थे। अनुसूचित जनजाति के लिए 114 कटअप गए थे। अगर एक्स सर्विसमैन के लिए 95 कटअप गए थे। उसी प्रकार ओ के लिए जो 122.5 कटअप गए थे और एचएच के लिए जो एचएच के लिए गए थे 116.75 और ओबीसी कैटेगरी के लिए गए थे 129.25। उसी प्रकार बीएच वाले के लिए गए थे 123 कटअप गए थे। यूआर के बारे में बात करते तो 130.75 ये कटअप गए थे। ये जो 2016 से 17 के बीच में कटअप गए थे। तो आई होप आप सभी देख लीजिए कि किस प्रकार से कटअप जो है जा रहे हैं, कितने हाइस्ट जा रहे हैं। उसके बाद टीयर टू का एग्जामिनेशन हुआ, टीयर टू में किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं प्यारे बच्चों, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। टीयर टू के बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जवाब किस प्रकार से दिए जाते हैं। एसएससी एमटीएस कटअप 2016 से 17 टीयर टू में, आप सभी को पता है कि जो कैंडिडेट पेपर वन को क्लियर करते हैं उन्हीं उम्मीदवारों को जो पेपर टू में सम्मिलित होने की संभावनाएं दी जाती है। तो ये जो है एग्जामिनेशन 28 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था और पेपर टू जो है प्राकृतिक में वर्णात्मक और योग्य था। आयोग ने आर्य श्रेणी के लिए 17.5 मार्क्स तथा अर्थात 35% रखे गए थे, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 17.50 क्वेश्चन का इसमें मार्क्स होते हैं दोस्तों। टोटल 50 मार्क्स का ये इसका परीक्षा होता है जिसमें 7.5 जो है मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं और 35% आपको कम से कम लाने होते हैं जनरल वाले के लिए। और जो है जो एस टी एस सी ओ बी सी जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 16.5 कम से कम नंबर लाने हैं, यानी 33% तब जाके क्वालिफाइड कर सकते हैं। पेपर टू क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपको पास करना ही पड़ेगा। क्वालिफाइड करने के लिए जनरल वाले के लिए 35% है और एस टी एस सी ओ बी सी के लिए जो है 33% दिया गया। तो इस प्रकार से आप अपने टीयर टू को भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ले एसएससी एमटीएस एमटीएस कटअप 2016 से लेकर 17 तक में जो फाइनल कटअप गए थे वो कितने गए थे यहाँ पर आप सभी को बता रहे हैं। तो टीयर टू जो रिजल्ट थे उसके बाद एक फाइनल कटअप जारी करते हैं, उसके बाद ही बच्चों को सिलेक्शन होते हैं। तो उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के उम्मीदवार को अंततः पेपर वन में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया था। जो उनकी बैठक पेपर टू में निर्धारित बुनियादी योग्यता मानकों के अधीन थे, यानी कि जो भी पेपर वन को क्लियर किए थे वो पेपर टू को क्लियर करने के बाद उसका एक फाइनल जो है डिसीजन लिए गए जो कि किन किन बच्चों को कैंडिडेट को सिलेक्शन होना चाहिए, किन किन को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता दें कि उस वक्त का जो कटअप गए थे दोस्तों, उस वक्त जो कटअप यहाँ पर जिक्र किए गए थे जैसे कि एसएससी के थ्रू जो कटअप गए थे निकाले गए थे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए, तो जो भी अनुसूचित जाति में आते थे उनके लिए 127.75 कटअप गए थे। उसके बाद अनुसूचित जनजाति वाले के लिए जो गए थे 117.25 और ओबीसी कैटेगरी में जो बिलोंग करते उनको गए थे 131.50 कटअप गए थे। उसके बाद जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 132.50 कटअप गए थे। तो ये जो फाइनल कटअप थे जो कि टीयर टू के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये फाइनल कटअप निकल के आते हैं। उसके बाद बता दें दोस्तों कि इस बार जो है कटअप कितने जाने की संभावना, यानी 19 से 20 में कितने जाने की संभावना है। तो बता दें आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस जो है अपने एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिए गए और आई होप आप सभी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए। कौन कौन 19 से 20 वाले एग्जाम को डाउनलोड नहीं कर पाए नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। एसएससी एमटीएस जो है 19 से 20 में परीक्षा 2 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 6 सितंबर तक जो है जारी किए जाएंगे। परीक्षा के पैटर्न में यहाँ पर 100 अंक रहेंगे और 100 प्रश्न, यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुके। पहले 100 क्वेश्चन रहते थे और 150 अंक रहते थे, लेकिन इस बार आपको 100 अंक 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
तो उसके हिसाब से इस बार का आंकड़ा जो है तैयार किए गए। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अनुसूचित जो जाति रहेंगे उनके लिए 85 कट ऑफ यहाँ पर जाएंगे, और अनुसूचित जनजाति में जो रहेंगे वो 78 कट ऑफ जाएंगे, और ओबीसी वाले के लिए 87.50 कट ऑफ जाएंगे, और यूआर कैटेगरी के लिए जो जनरल के लिए कैटेगरी के लिए 88.50, यानी कि देख पा रहे जनरल वाले सबसे हाइस्ट कट ऑफ जो है जाने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, यानी कि 88.50 आपका जब फाइनल कटअप यहाँ पर आएंगे उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी समझ चुके हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं वो सारे समझ चुके हैं कि इस बार कितने हाईएस्ट फाइटिंग होने वाले, कितने ज़्यादा जस्ट कटअप मार जाने की संभावना है। अगर आप दूसरा स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि आपके स्टेट का भी हम बता पाएं। जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी स्टेट का सबसे पहले वीडियो बनेंगे। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट newclassclass@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई एक नई कटअप के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके जुड़ जाए, ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।